नमस्कार दोस्तों, गजब टेक्निकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपके मोबाइल का जो डाटा आपको मिलता है पर डे, जो डाटा मिलता है उसकी वेस्टेज के बारे में बात करना जा रहे हैं। क्योंकि कई एप्लीकेशन अपने बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, कई चीज़ें अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में चलती रहती है जिनमें अपना डाटा, मोबाइल डाटा ख़राब होता रहता है। तो उनको अपन कैसे सेव कर सकते हैं, उस डाटा को कैसे बचा सकते हैं, अपने पूरे डाटा को पूरे दिन कैसे चला सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं कैसे अपन डाटा सेविंग के लिए क्या क्या सेटिंग्स अपने फ़ोन के अंदर करते हैं। सबसे पहले अपन गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे, जो अपना ब्राउज़र है। गूगल क्रोम के अंदर जाने के बाद अपन जो ये राइट साइड में थ्री डॉट्स का बटन दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद अपन को दिखाई देगा कि गूगल एक लाइट करके मोड होता है गूगल का, जो ये जो गूगल के जो एक तो लाइट वर्जन होता है, एक मोबाइल वर्जन होता है। लाइट वर्जन के अंदर जो डाटा वगैरह एक्सेस होते हैं, बैकग्राउंड डाटा यूज़ होते हैं साइट्स वगैरह में, वो कम यूज़ होते हैं। तो अपन को क्या करना है, गूगल का लाइट वर्जन ऑन करके रखना है। अभी देखिए मैंने ये लाइट वर्जन ऑन किया था, मतलब 33 MB मेरा डाटा सेव हुआ है 280 MB में से। अब आप देख सकते हैं कि कितना आपका डाटा सेव होता है। दूसरी अपन सेटिंग की बात करते हैं, दूसरी सेटिंग में अपन चलते हैं जो अपन अपना प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर के अंदर अपन प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। अपने प्ले स्टोर को जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री डॉट्स का बटन है, थ्री लाइंस हैं, उस पर क्लिक करके अपन सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे होता है ऑटो अपडेट ऐप्स को। ऑटो अपडेट ऐप्स में क्या आता है कि जो आपके मोबाइल में जो ऐप्स इंस्टॉल हैं, जब भी अपना डाटा मोबाइल डाटा से कनेक्टेड होता है तो आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है वो ऑटो अपडेट होते रहते हैं। तो उसको अपन को डू नॉट अपडेट ऐप्स पे करना है। मतलब कि आपका मोबाइल का डाटा जब ऑन रहेगा उस टाइम में आपके जो फ़ोन के एप्लीकेशंस हैं वो अपडेट नहीं होंगे विदाउट योर परमिशन के। अगर आप जब परमिशन देंगे कि ये इस एप्लीकेशन को मुझे अपडेट करना है तो वही एप्लीकेशन अपडेट होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर माई गेम्स एंड माई एप्लीकेशन पर जाएंगे, इंस्टॉल्ड पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता देगा कि ये लाइब्रेरी के अंदर आपके एप्लीकेशन है, ये बीटा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन आ गए। अब इन एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा होगा, जैसे नेटफ्लिक्स का है या पेटीएम मनी का है, ये अपडेट मांग रहा है, तो इसको मैन्युअली आप जाके अपडेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड में अपडेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस दूसरी ट्रिक के थ्रू आप अपना फ़ोन की जो डाटा है, वेस्ट डाटा होता है, उसको आप बचा सकते हैं। तीसरी ट्रिक में चलते हैं। तीसरी ट्रिक अपनी क्या है, यूट्यूब की होती है, क्योंकि यूट्यूब भी अपन बहुत ज़्यादा चलाते हैं अपने फ़ोन में। तो यूट्यूब में अपन क्या ट्रिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे अपने लोगो पे क्लिक करना है, जहाँ पे अपन ने लॉगिन कर रखा है, जो जो चैनल अपना लॉगिन है उस पर क्लिक करने के बाद, जैसे ये मेरा गजब टेक्निकल चैनल है, ये लॉगिन हो रखा है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर डाउनलोडिंग पे जाना है। डाउनलोडिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं डाउनलोड क्वालिटी। ठीक है, डाउनलोड क्वालिटी में ये होता है कि जो अपना ऑफलाइन जो वीडियोज़ अपन सेव करके रखते हैं, उन वीडियोज़ को यूट्यूब एक या दो दिन से, मतलब जो भी अपने डाउनलोड रहते हैं ऑफलाइन रूप से यूट्यूब के अंदर वीडियो, वो एक दो दिन से रिफ्रेश होते रहते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट रूप से वो जो रिफ्रेश होते हैं तो वो दोबारा डाउनलोड होते हैं। मतलब अब आपने अगर 1 GB का डाटा आपने अगर डाउनलोड कर रखा है यूट्यूब के अंदर ऑफलाइन रूप से, तो आपका वो डाटा एक दो दिन से, मतलब दोबारा रिफ्रेश होगा, दोबारा डाउनलोड होगा, दोबारा डाउनलोड होगा, मतलब 1-2 GB आपका वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड क्वालिटी को लो करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली, अगर वाईफाई से आप डाउनलोड करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, रिकमेंडेड डाउनलोड पे ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये 3 सेटिंग्स थी जिनके ज़रिए आप अपने फ़ोन की जो वेस्ट, जो फ़ोन के अंदर जो वेस्ट डाटा होता था, उस वेस्ट डाटा को आप बचा सकते हैं। सिंपली 3 ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स के थ्रू आप अपने मोबाइल के वेस्ट होने वाले डाटा को आप बचा सकते हैं, और आप अपने पूरे दिन में अपना पूरा जो 1 या 1.5 GB मिलता है उसे बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए, टेक्निकल अपडेट्स पाने के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए, और गवर्नमेंट के जो भी अपडेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।